यहाँ पे सबसे ठीक है, यहाँ पे एक ग्रुप की बात है, वो मान लो ऐसे लास्ट क्लास में हमने एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग किया, उसमें किसी को कोई दिक्कत बताओ? वन मोर थिंग, देखो फिफ्थ यूनिट का जितना पार्ट हम फ्राइडे तक कंप्लीट कर लेंगे उतनी ही चीजें फ्री एंड सम में आएंगी। तीसरी चीज कि भाई तुम्हारी जो फिफ्थ यूनिट है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, उसमें तुम्हें बेसिकली एएसके, एफएसके, पीएसके, उसके बाद क्यूएएल, ये चार पढ़ने हैं, ठीक। उसके बाद तुम्हें कॉन्टिन्यूस फेज मॉड्यूलेशन और मिनिमम शिफ्ट, ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक है, इनको थोड़ा सा ठीक है, इनके कुछ पॉइंट्स जो है वो तुम्हें ज्यादा ध्यान से देखने हैं, बाकी उसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं। उसमें ट्रांसमीटर रिसीवर तुम्हें नहीं देखना है क्योंकि उसके ट्रांसमीटर और रिसीवर काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं और वो तुम्हारे कहीं पर भी तुमसे पूछा नहीं जाएगा, कुछ चीजें उसमें देखनी है। तो मीनिंग मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे तक हम लोग एफएसके तक कंप्लीट कर लेंगे, फिर किसी दिन ये तो आफ्टर प्री एंड सेम या सैटरडे को किसी एक एक्स्ट्रा क्लास रख के, ठीक है, उसमें तुम्हारा क्यूएएम, सीपीएम, एमएसके ये चीजें डिस्कस करनी है। तुम्हें मेनली जो डिस्कस करनी है वो क्यूएएम डिस्कस करनी है, ठीक है। और ये बताओ शाम में आज जो 3:15 से 4:03 की ट्यूट होती है, उस टाइम पे 4:04 की कौन सी क्लास होती है? सिग्नल की लैब में कितने एक्सपेरिमेंट हो गए, कुछ बचा है कि एक्सपेरिमेंट सारे हो गए? हाँ सर, एक दो बच्चे हैं अभी तो फिर ठीक है, फिर 4:03 की ड्यूटी ही होगी, हम कोई एक्स्ट्रा टाइम देख के उसमें अरेंज करते हैं। हम इस सैटरडे को क्लास थोड़ा सा नहीं रखना चाह रहे थे क्योंकि तुम लोग का भी फ्री एंड रहेगा, तुम लोग को भी सैटरडे संडे पढ़ना रहेगा, तो
ट्रियन के बाद में एक या दो दिन किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास शेड्यूल कर लेंगे, उसमें ये दो तीन टॉपिक जो भी है वो डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। सभी को स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है? यस सर। नेक्स्ट जो डिजिटल मॉड्यूलेशन इसके रूप में देखनी है वो बेसिकली क्या है, फेस शिफ्ट, क्या है फेस शिफ्ट, फेस शिफ्ट कीइंग में भी हमें क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास एक बाइनरी रिजल्ट होगा, मीनिंग हमने किसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर किया होगा, उसको 1010 फॉर्म में इंपोर्ट किया, और उस 1010 को हम एक लाइन कोडिंग की हेल्प से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में यानी इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट करते हैं। तो एक चीज जो और तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्कस करनी है वो है लाइन कोडिंग, तुम्हारे सिलेबस में डायरेक्टली नहीं गिवन है लेकिन क्योंकि तुम्हें ऑब्जेक्टिव पेपर देना है तो ये चीजें एक पॉइंट, ये एक टॉपिक और डिस्कस करना है। अचानक से ये शेड्यूल में चेंजेस ना होते केटीयू से और शायद आराम से चीजें हो जाती, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे आने से पहले एक पॉइंट AST में नोट डाउन कर लो, एक पॉइंट AST में नोट डाउन कर लो, लाइन कोडिंग used in AST modulation is unipolar energy। जो AST modulation है उसमें कौन सी लाइन कोडिंग यूज की जाती है, तो यूनिपोलर एनर्जी, ठीक। और हमने एक चीज देखी थी कि जो AST की ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन कहीं ना कहीं DSD-SC से सिमिलर था, इसीलिए जब हमने इसका डिटेक्शन किया था तो इसके डिटेक्शन में काफी पार्ट, ये वाला जो पार्ट था वो तुम्हारा कोहरेंट डिटेक्टर्स की तरह है, कोहरेंट डिटेक्टर्स एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर देन एक लो पास फिल्टर, ठीक। तो वैसा ही तुम्हें यहाँ पे ASK रिसीवर पे भी दिखाई दिया। तो एक पॉइंट जो तुम्हें और एड करना है वो ये, फॉर द डिटेक्शन ऑफ ASK वी कैन यूज इनवेलप डिटेक्टर ऑल्सो, ASK का डिटेक्शन इनवेलप डिटेक्टर को यूज करके भी हम कर सकते। ये दो पॉइंट याद रखने, यहां पे यूनिफॉर्मर एनर्जी है। अब हमें PSK पे पहुंचना, तो PSK में जो लाइन कोडिंग हम यूज करते हैं वो है बाइपोलर एनर्जी, क्योंकि ये लाइन कोडिंग यहाँ पे तुम्हें डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम में यूज हो रही है, इसीलिए चांसेस हैं कि कोई बड़ी बात नहीं कि तुम्हें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल जाए, इसी के लिए लाइन कोडिंग जितनी भी है वो हम लोग एक दिन डिस्कस कर लेंगे। तो ये काम तुम लोगों का है कि ध्यान रखना कि लाइन कोडिंग डिस्कस की जानी, इनके समझ मिल जाए तो तुम उसको ध्यान रखना, ठीक। अब
जब ये बाइपोलर एनर्जी है तो लेट्स से मेरे पास कोड है ये 1 0 1 0। बाइपोलर एनर्जी में क्या होता है, हम 1 के लिए प्लस ए वोल्ट देते हैं और 0 को ट्रांसमिट करने के लिए माइनस ए वोल्ट देते हैं। यानी या ये कहें कि प्लस बाइनरी 1 को रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव वोल्टेज से और 0 को रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव वोल्टेज से। अगेन 1 को पॉजिटिव, 0 को नेगेटिव वोल्टेज, पॉजिटिव। जीरो से टीबी ड्यूरेशन 2 टीबी, 3 टीबी, 4 टीबी, 5 टीबी, 6 टीबी। लेट्स से हमारे पास एक साइनोसॉइडल करियर सिग्नल। अच्छा, जो पॉइंट हमने वहां पे हम लोगों ने याद किया था कि भाई जो करियर सिग्नल हम लेते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी इंटीजर मल्टीपल ऑफ बिट रेट ऑफ मैसेज सिग्नल होती है। हमने यहाँ पे वहां पे ये चीज पढ़ी थी कि टीबी इज इक्वल टू एन टी सी, ऐसे क्या लिख सकते हो 1/RT इज इक्वल टू एन अपॉन टी एफ सी, क्या गया एफ सी इज इक्वल टू क्या गया एन इंटू आर। यानी जो करियर फ्रीक्वेंसी हम सेलेक्ट करेंगे वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ बिट रेट ऑफ मैसेज सिग्नल है, या जो बिट ड्यूरेशन है मैसेज सिग्नल का वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ करियर इंटरवल है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना था। यानी क्या था, करियर फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे कि विद इन अ ड्यूरेशन कंप्लीट साइकिल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करें। या हमने एक ड्यूरेशन में कितने साइकिल यूज किए, टू साइकिल। तो यहाँ पे एफ सी इज इक्वल टू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ आरबी, टू आरबी। वजह से वो पूरा डिलीट हो गया है, तो वापस यहाँ पे जो तो पहले से पढ़ा रखा था उससे हम तुम्हें समझा रहे। अच्छा, यहाँ पे हमने कितना लिया है आरबी इज इक्वल टू, तो सॉरी एफ सी इज इक्वल टू कितना लिया है, कितने कंप्लीट साइकिल्स हैं, 3। देखो जब हम 1 ट्रांसमिट करें, ठीक है, देखो यहाँ पर भी जो जनरलाइज इक्वेशन होगी पीएस के वो भी तुम्हारी क्या रहेगी, एस टी इज इक्वल टू सिग्नल मल्टीप्लाई बाय सी टी। ठीक, दोनों एस के और एफ एक्स के में चेंज क्या आया, ये जो मैसेज सिग्नल है ठीक वो डिफरेंट डिफरेंट है। वहां पे हमने मैसेज सिग्नल यूनिपोलर एनर्जी से जनरेट किया था,
यहाँ पे बाइपोलर एनर्जी से जनरेट किया। ठीक, तो जब करियर सिग्नल सी टी यहाँ मैसेज सिग्नल के उस ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई होगा जहां पे मैसेज सिग्नल की वैल्यू प्लस ए है, तो आउटपुट क्या आएगा, प्लस ए इंटू सी टी। और जब माइनस ए वाले यानी जीरो जिस ड्यूरेशन में ट्रांसमिट हो रहा है उससे जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस ए इंटू सी टी। तो ध्यान से देखिए जो रिजल्टेंट सिग्नल आ रहा है, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा है, जब वन ट्रांसमिट हो रहा है तो ओरिजिनल कैरियर सिग्नल, एक्चुअल कैरियर सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, और जब जीरो ट्रांसमिट किया जा रहा है उस टाइम पे फेस रिवर्सल 180 डिग्री फेस रिवर्सल ऑफ कैरियर सिग्नल ट्रांसमिट। या मिरर इमेज ऑफ करियर सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ट्रांसमिट हो रही है। ठीक, अब यहां पे ध्यान से जब हम यहां पे करियर सिग्नल जनरेट करें तो सॉरी जब हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करेंगे, जब वन ट्रांसमिट करेंगे तो करियर सिग्नल जैसा है एज इट इज तुम्हारा करियर सिग्नल ट्रांसमिट होगा। ठीक, यहां से हमने देखा एस टी इज इक्वल टू ए इंटू सी टी, तो हमने एज इट इज यहां पे हमने जैसा तुम्हारा करियर सिग्नल था वैसे ही हमने ट्रांसमिट किया, तो एस टी की वैल्यू वही आ गई। लेकिन हाँ, एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होगा दोनों के, लेकिन जब तुम्हारा जीरो ट्रांसमिट मीनिंग टीबी से टू टीबी के बीच इस ड्यूरेशन में एस टी की वैल्यू क्या है, माइनस ए इंटू सी टी, मीनिंग इस जो यहां पे इस ड्यूरेशन में जो ये सिग्नल है इसका फेस रिवर्सल ले ली, मीनिंग 180 डिग्री का इसको फेस शिफ्ट दे देना है, मतलब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी मिरर इमेज ले लेंगे। तो यहां देखो ये ऊपर जा रहा है ऐसे, मिरर इमेज लेंगे तो ये कुछ यहां दिखाई देगा ऐसे नीचे जाता हुआ, ये देखो यहाँ पे हमने मिरर इमेज ले। ठीक, अगेन इस टीबी पॉइंट के बाद फिर वन ट्रांसमिट हो रहा है, तो एज इट इज जो करियर है वही करियर वेव हमने आगे बढ़ा दी, यहां कोई मिरर इमेज नहीं ली इस ड्यूरेशन में, टू टीबी से थ्री टीबी के बीच में कोई मिरर इमेज नहीं, फिर थ्री टीबी से फोर टीबी के बीच में अगेन इसका 180 डिग्री फेस शिफ्ट। इतने पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत, इस वेव फॉर्म का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब यहां से हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि टीवी जो हमने लिया है, ड्यूरेशन जो हमने लिया है वो किसके बराबर है, 3TC के बराबर, या ये कहें कि FC इज इक्वल टू क्या है, 3 into RV। अगर हम CT इज इक्वल टू AC cos ओमेगा CT ले रहे, ठीक, तो जो ST होगा वो जब 1 होगा, ST की वैल्यू जो हम 1 पे बाइनरी 1 पर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हम क्या लिख रहे हैं, AC cos ओमेगा CT, और जब बाइनरी 0 ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसको क्या लिख रहे हैं, माइनस AC cos ओमेगा CT, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, AC cos ओमेगा CT प्लस पाई। एक जरूरी पॉइंट यहाँ पे याद ये रखना कि क्योंकि ये वाला जो हमने फेस शिफ्टिंग बताया इसमें एक बार में हम एक ही बिट ट्रांसमिट किया, मतलब एक सिंबल में एक ही बिट यूज की जा रहा है, एक सिंगल वन,
या सिंगल जीरो। दैट इज व्हाई इसको हम बाइनरी पीएसके भी बोलते हैं, बाइनरी पीएसके या कई जगहों पे बीपीएसके भी लिखते हैं। बाइनरी पीएसके या बीपीएसके भी बोलते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स है, एक वन दूसरा जीरो, इस वजह से इसको टू एरे पीएसके भी बोलते हैं। इस वजह से इसको टू एरे पीएसके भी बोलते हैं। अब अगर मान लो हमारे पास, जब हमने कहा कि टू एरे पीएसके, तो टू एरे पीएसके का मतलब क्या था? दो कंपोनेंट ट्रांसमिट किए जा सकते हैं, एक वन एक जीरो, दो डिफरेंट सिंबल ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। अगर फोर एरे पीएसके होता तो चार डिफरेंट सिंबल्स ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। चार डिफरेंट सिंबल्स को ट्रांसमिट करने के लिए हमें एक बार में मिनिमम दो बिट ट्रांसमिट करनी है, मीनिंग वन 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 जीरो जीरो जीरो, जीरो वन, ऐसे चार सिंबल हम ट्रांसमिट। तब क्या है, दो बिट एक साथ ट्रांसमिट हो रहे हैं। उसको हमने बोला था बाइनरी पीएसके, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेचर पीएसके या क्यू पीएसके। हमें पॉइंट क्या याद रखना है, जब क्यू पीएसके या फोर एरे पीएसके बोला जाए तो मीनिंग वहां पे चार डिफरेंट सिंबल्स भेजे जा रहे, मीनिंग वहां पे एक साथ दो बिट भेजे जा रहे। और इस केस में यानी क्वाड्रेचर पीएसके के केस में अगर हमें फेस शिफ्ट फाइंड आउट करना बिटवीन डिफरेंट सिंबल, ये जो चार डिफरेंट सिंबल हैं इनके बीच में अगर हमें फेस शिफ्ट फाइंड आउट करना, इसका फेस शिफ्ट से पहले हम इसकी बात करें, जब हमने वन और जीरो के बीच में फेस शिफ्ट निकाला था तो वो कितना आया था, फेस शिफ्ट कितना आई थी, पाई आई थी ना, फेस शिफ्ट कितना आया था, पाई है ना। वन को अगर हम ओरिजिनल एक्चुअल सिग्नल से ट्रांसमिट कर रहे हैं तो इसको पाई फेस शिफ्ट से एक्चुअल के रिस्पेक्ट में ये इसमें 180 डिग्री का हमने फेस शिफ्ट ले लिया। तो यहाँ पे जब चारों की बात करोगे तो ये अगर एक्चुअल है तो ये 90 डिग्री फेस शिफ्ट, फिर ये 180 डिग्री, फिर ये 270 डिग्री। तो फेस शिफ्ट जो हम डिफाइन करते हैं वो 2 पाई अपॉन नंबर ऑफ सिंबल्स। यहां पे कितने सिंबल है, चार, तो टू पाई बाय फोर। ये पॉइंट याद रखना, ऐसे अगर एट एरे पीएसके होता ठीक तो आठ डिफरेंट सिंबल्स होते और हर सिंबल के बीच में जो फेस शिफ्ट होती है वो क्या होती है, टू पाई बाय एट यानी पाई बाय टू, सॉरी पाई बाय फोर, यहाँ क्या है पाई बाय टू। फॉर कहीं पे लिख लो, फॉर एम एरे पीएसके फेस शिफ्ट इज इक्वल टू टू पाई बाय एम, हमारे ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में इस ठीक है।
अब अगर हम पीएसके का ट्रांसमीटर देखें, तो अगेन पीएसके का ट्रांसमीटर भी कुछ और नहीं, एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूज कर लो, जो हमने जब जनरेशन किया, जब वेवफॉर्म के थ्रू जनरेशन करके देखा, तो हमने देखा नहीं कि भाई कुछ नहीं कर रहा है, क्या ना मैसेज सिग्नल और करियर सिग्नल को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है। इसके बाद ये कैसे जनरेट किया, इसका प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूज कर, यहां हम मैसेज सिग्नल दे देंगे, यहां से हम करियर सिग्नल सीधे दे देंगे यूजिंग लोकल ऑसिलेटर, और ये जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमें एचटी मिलेगा, और इस एचटी की वैल्यू या तो S1T हो सकती है जब 1 ट्रांसमिट हुआ हो, या S2T हो सकती है जब 0 ट्रांसमिट हुआ, यानी AC cos ओमेगा CT या माइनस AC cos एक लाइन लिख लेना, इन पीएसके, इन पीएसके बाइनरी 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय binary 1 is represented by actual carrier and binary 0 is represented by degree phase shift of carrier. Binary 0 is represented by 180 degree phase shift of carrier. यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। अब अगर फेस स्कीम के रिसीवर की बात, तो यहाँ पे भी रिसीवर जो हमारा है, हम वही कोहरेंट डिटेक्टर यूज करते हैं, जैसे हमने अभी DSBSC और ASK में भी यूज किया। कोहरेंट डिटेक्टर में क्या लगा होता है, मल्टीप्लायर और एक लो पास फिल्टर। यहां से हम AC cos ओमेगा CT, कोशिश हमेशा करते हैं कि हमें ऑलमोस्ट सिमिलर फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ रिसीवर के मैसेज सिग्नल पे जो जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस करियर फ्रीक्वेंसी से तुमने ट्रांसमिशन पे, ट्रांसमीटर साइड पे मॉड्यूलेशन कराया, ऑलमोस्ट वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे। मोर स्पेसिफिकली ये कहेंगे कि भाई यहाँ रिसीवर के रिसीविंग एंड पे जब ये मैसेज सिग्नल STR रिसीव हुआ, इस टाइम पे इसकी जो करियर फ्रीक्वेंसी है,
हमें इससे सिंक्रोनाइजेशन करना होगा कि मे बी पॉसिबल ये करियर फ्रीक्वेंसी जो जो वो करियर फ्रीक्वेंसी जो ट्रांसमिशन ट्रांसमीटर से भेजी गई नॉइस की वजह से कहीं कुछ फ्लक्चुएशन आया हो उसकी वजह से यहाँ पे जो रिसीव हुई वो करियर फ्रीक्वेंसी जो वहां से भेजी गई उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन हो। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि भाई जो रिसीवर के इनपुट पे जो सिग्नल आया मॉड्यूलेटर सिग्नल उसकी फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लायर की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में जो लोकल ऑसिलेटर से दिया जा रहा है वो दोनों सिमिलर होने चाहिए। ठीक। और ये जहां जितनी भी जगहों पे तुमने कोहेरेंट डिटेक्शन पढ़ा है चाहे वो SSBSC हो चाहे DSBSC हो ASK हो FPSK हो सब जगहों पे इसी तरह यही चीजें फॉलो कर रही हैं। नाउ अब यहाँ पे रिसीव हो सकता है S1T या S2T। S1T रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को और S2T रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, यानी यहाँ पे या तो AC cos ओमेगा CT आ सकता है या फिर -AC cos ओमेगा CT आ सकता है। अब जब लो पास फिल्टर के इनपुट पे मल्टीप्लायर के आउटपुट पे देखोगे जब 1 रिसीव तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा AC स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा CT और जब 0 की बात है 0 रिसीव हुआ तो क्या मिलेगा -AC स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा CT। इसी को हम क्या लिख सकते हैं AC स्क्वायर बाई 2 1 प्लस cos 2 ओमेगा CT। इसको क्या लिख सकते हैं -AC स्क्वायर बाई 2 1 प्लस cos 2 ओमेगा CT। आप जब ये लो पास फिल्टर की बात करें तो लो पास फिल्टर है लोअर फ्रीक्वेंसीज पे इसका पास बैंड होगा। इन जनरल इसका जो पास बैंड होता है वो 0 से लेके 2 RB। RB क्या है मैसेज सिग्नल का बिट रेट, मैसेज सिग्नल जिसको तुम रिसीव कर रहे हो उसका बिट रेट। इस फ्रीक्वेंसी रेंज का हम लो पास फिल्टर लेते हैं। चाहो तो एक पॉइंट लिख सकते हो पास बैंड ऑफ लो पास फिल्टर इज 0 हर्ट्ज टू 2 RB हर्ट्ज। पास बैंड ऑफ लो पास फिल्टर इज 0 हर्ट्ज टू 2 RB। अब जब और 2 RB की बात करें यानी बिट रेट की अगर हम बात करें तो वो इन कंपैरिजन टू ओमेगा सी काफी कम होगा, है ना। FC जो है वो काफी ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ओमेगा सी, सॉरी हाँ FC जो तुम्हारा होगा वो इन कंपैरिजन टू RB काफी ज्यादा होगा। तो लो पास फिल्टर से वो पास तो हो पाएगा नहीं, तो लो पास फिल्टर के आउटपुट भी क्या मिलेगा AC स्क्वायर बाय 2 व्हेन 1 इज ट्रांसमिटेड एंड जब 0 ट्रांसमिट होगा तो -AC स्क्वायर बाय। फर्दर यहां पे अगेन कुछ और नहीं वही पुराना थ्रेशोल्ड कैसे काम करता है कल हम लोगों ने देखा। अब इस थ्रेशोल्ड डिटेक्टर को बस इतना डिटेक्ट करना है कि जो रिसीव हुआ इनपुट है जिससे इन दोनों को हम कंबाइनली बी इन बोल, जो रिसीव हुआ इनपुट है थ्रेशोल्ड डिटेक्टर पे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव कितना होता है, यानी यहाँ पे वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना रख सकता है 0।
तो VTH अगर V in greater than VTH आया तो यानी वन रिसीव हो रहा है, अगर V in less than VTH आया तो यानी जीरो रिसीव। ठीक, रिसीवर टेक्निक में किसी को कोई दिक्कत? एक पॉइंट लिखना जिसको तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, पीएस के डीमॉड्यूलेशन इज अफेक्टेड बाय क्यू एन, क्या होता है क्यू एन ई, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। एस के भी क्वाड्रेचर नल इफेक्ट से अफेक्टेड है और पी एस के भी क्वाड्रेचर नल इफेक्ट से अफेक्टेड है। तो जहां पर कोहेरेंट डिटेक्शन हो रहा होगा वहां पे क्वाड्रेचर नल इफेक्ट का अफेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तुम्हें याद रखना है कि कौन कौन सी जगहों पे हो सकता है, कौन सी जगहों पे नहीं हो सकता। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ पीएस। अगेन जब हम बिफोर मॉड्यूलेशन देखेंगे जैसे अभी हम लोगों ने एएसके में देखा था, ये मेरी सिंगल बेड, इसका ड्यूरेशन टीबी, इसका अगर हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, 1/dB, 1/dB, ये माइनस। तो बैंडविड्थ तुम्हारी कितनी हो जाएगी? 1/dB या RB के बराबर। बिफोर मॉड्यूलेशन चाहे तुम एएसके में देखो या पीएसके में तुम्हारी बैंडविड्थ सेम हो जाए। अच्छा, यहाँ ट्रांसमिशन बैंडविड्थ का मतलब क्या है? एक बिट को ट्रांसमिट करने में तुम्हें कितनी बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है, एक बिट को ट्रांसमिट करने में तुम्हें कितनी बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है आफ्टर मॉड्यूलेशन, एमटी इंटू एसी कॉस ओमेगा सी, तो मॉड्यूलेशन सिग्नल तो यही बना एसी। अब इसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म देखते हैं तो हमें पता है किसी भी सिग्नल को अगर तुम एसी कॉस ओमेगा सीटी से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है? सिग्नल का शिफ्टेड वर्जन, एफसी फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट किया और माइनस एफसी फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट किया। ये क्या है? एफसी माइनस 1/dB